जब नीतियों को अंजाम देने वाले लोग भ्रष्ट और लापरवाह हों तो सोचो आम जनता का क्या होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के बक्सवाहा की, जहाँ बक्सवाहा ब्लॉक की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी पंचायत सोनबाहा में स्वास्थ्य सेवाएं 3-4 दिन से ठप पड़ी हैं। सोनबाहा ग्राम पंचायत की कुल आबादी लगभग 10,000 है, जिसमें वोटर लगभग 4,000 हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र सोनबाहा में पदस्थ ANM कोतीक पघेल और CHO सुमित चतुर्वेदी हैं। उनकी लापरवाही का नुकसान ग्रामवासियों को उठाना पड़ रहा है। सोनबाहा ग्राम के हरिराम लोधी ने बताया कि मैं पिछले 3 दिनों से उप स्वास्थ्य केंद्र के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन यहां ताला लगा रहता है। मैं अपना इलाज नहीं करा पा रहा हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने के दुकानदार भगवान दास लोधी ने बताया कि सोनबाहा का उप स्वास्थ्य केंद्र कभी कभार खुलता है। गांव के कमलेश लोधी ने बताया कि उसे उल्टी दस्त हो रही है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से मजबूरी में बक्सवाहा जाना पड़ता है। और इसी तरह बिंदी आदिवासी ने बताया कि उसे पांव में चोट लगी थी, लेकिन मुझे इलाज नहीं मिल पाया। क्या नाम है दादा आपका? हरिराम। ये जो आपके सामने अस्पताल है गवर्नमेंट वाली शासन की, ये कितने दिन से नहीं खुल रही है? 3 दिन से। अच्छा, कल तुम देख हुए आए कहाँ ने? मतलब हम तो रोज ना करे थे। ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारे सामने जो अस्पताल है, जब खुला थे और खुला थे तो कब खुला थे? बिजली खुला था, खुला था। अच्छा, इस मामले में बक्सवाहा BMO डॉक्टर ललित उपाध्याय का कहना है कि सोनबाहा ANM और CHO दीपावली की छुट्टी पर गए थे, वो अभी लौटे नहीं हैं। सोमवार से ही वो आ जाएंगे तो लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलने लगेगा। अब सवाल ये है कि दीपावली की छुट्टी में डॉक्टर इतने मसरूफ और बेफिक्र कैसे हो सकते हैं कि अपना धर्म ही भूल जाएं? बल्कि कहा तो ये जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और मरीजों के इलाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनता सेवा एक्सप्रेस के साथ बक्सवाहा से विनोद कुमार जैन की रिपोर्ट।